हाय कृष्णा राधे राधे दोस्तों, देखिए दोस्तों मैं शाम को 8:30 हो रहा है और मैं चल रही हूँ खाना बनाने। चने के ज्यादा कुछ नहीं, चने के दाल बना रही हूँ। देखिए प्याज 4 मिर्चा हम कटिंग कर लिए हैं इधर ही। अब इसमें थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे, फिर इसमें तेज पत्ता 2 डालेंगे छोटे छोटे, थोड़ी सी जीरा और डालेंगे, जीरा थोड़ा कम है थोड़ा और डालेंगे। जीरा चटक गया, अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए मेरा प्याज भून गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो डालेंगे, इसमें मसाला निकालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, थोड़ी हल्दी, 1 चम्मच रेड चिल्ली। ये मसाला हम घर पे ही बनाते हैं, रेडीमेड मसाला नहीं है। अब इसको हम पानी में भिगा देंगे, इस मसाले को हम मिक्स करके अच्छे से डाल देंगे। इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे, दो चम्मच नमक डालेंगे, अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। चने के दाल को हम 1 घंटा पहले भिगा कर रख दिए हैं, जिससे बनने में बहुत जल्दी बन जाएगी, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। जो सीटी लगाएंगे उस वहां पर मेरी दाल तैयार हो जाएगी। आटा हम गूंद के रख दिए हैं दोस्तों, आटा तो मेरा बहुत गीला रहता है, इससे क्या है रोटी बहुत साफ होती है। जितना गीला आप आटा खाएंगे उतना अच्छा रोटी होता है। हाँ दोस्तों, देखिए मेरा मसाला अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम चना की दाल मिक्स कर देंगे, अब इसमें हम धनिया पत्ती डालेंगे, क्या ना थोड़ा धनिया पत्ती इसमें डाल देने से ना सारे अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, टेस्ट भी आ जाते हैं।
धनिया पत्ती का इसमें मिला जाता है, इसमें अच्छा लगता है। अब इसमें हम कोई थोड़े मसाले इसमें लगे हुए हैं तो वेस्ट नहीं करेंगे, पानी डाल देंगे। हमने ज्यादा नहीं, एक टमाटर सिर्फ डाले हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पानी डालिएगा। आपको गाढ़ा खाना है, पतला खाना है, ये पराठे के साथ, रोटी के साथ, पूरी के साथ ये दाल बहुत अच्छी लगती है। ये एक बॉयल आ जाएगी तो हम ढक्कन लगा कर इसको बॉयल कर लेंगे। देखिए मेरा ये बॉयल आ गया है, अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे और स्लो आंच पर इसको रख देंगे। दो सीटी लगेगा, मेरा चने की दाल रेडी। पहले सीटी पकड़ लेंगे, मैं रोटी की तैयारी करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, फिर मिलते हैं हम। जी हाँ दोस्तों, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, विसल ठंडा होने तक वेट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, विसल ठंडा हो गया, अब हम चेक कर लेते हैं दाल को। मेरा दाल बहुत अच्छे से हो गया है, थोड़ा इस वजह से सब इसको मिक्स कर लेंगे। मैं सर्व करती हूँ, गर्मा गर्म रोटी के साथ खाइए। अगर आप बटर भी खाना चाहें तो इसमें थोड़ा बटर भी मिक्स कर लीजिए, अच्छा रहता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए मेरा तैयार। मेरे हस्बैंड घी वाली रोटी नहीं खाते हैं, बच्चे लोग खाएंगे, बच्चे लोग को मैं लगा कर दूंगी, मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे, उनको ऐसे ही सर्व करेंगे। देखिए मेरा दाल रेडी है दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो आपको कल मिलेगा, और आज आप लोगों ने जिस तरह से भर भर के कमेंट्स किया उसी तरह से कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। ये वीडियो आपको सुना ही मिल रहा है।